नमस्कार दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में इनसे मिलिए आप सभी का स्वागत है मैं आपको आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जो विशिष्ट मेहमान हैं जो मेरे अतिथि हैं मैं आपको उनसे उनका परिचय कराता हूं आपका नाम डॉक्टर पूजा सिंह है आप इस शहर की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की अकेडमी कोऑर्डिनेटर हैं और इंटीग्रेट सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स जयपुर राजस्थान की आप चेयरपर्सन भी हैं और आपने एक बहुत लंबे समय तक हमारे दूरदर्शन लखनऊ के साथ आपका रिश्ता रहा है रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और विकास की पत्रकारिता में आपने काफ़ी लंबा समय गुजारा है और हाल फिलहाल में आप अकेडमिक्स के वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं हम इनसे बातचीत करेंगे जल्दी से आपको उन तरफ चलता हूँ डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार सर और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार बहुत शुक्रिया आपका ये डॉक्टर साहब ये बताइए पूजा सिंह कि विकास की पत्रकारिता या डेवलपमेंट जर्नलिज्म ये क्या है डेवलपमेंट जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो ये केवल एक आर्थिक रूप से सशक्त भारत की परिकल्पना नहीं है बल्कि एक जो सोच है हमारी सोसाइटी में हमारे समाज के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन लाना शैक्षिक स्तर पर हम रूट लेवल से लेकर और अप लेवल तक कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज कर रहे हैं कैसे हम परिवर्तन ला रहे हैं जी ये उसकी पत्रकारिता है विकास पत्रकारिता का मतलब ही यही है कि हम कैसे नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति की पर्सनल उसकी सोच में उसके रहन सहन में उसकी संस्कृति में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं और उसको हम आर्थिक रूप से अपने राष्ट्र निर्माण में जोड़ सकते हैं बहुत खूब यानी कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का उत्थान और फिर हम उसको राष्ट्र के मूल्यों के जी साथ जी। और समाज के मूल्यों के साथ जोड़ लेते हैं ये ये एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म तो ये ये, ये जो शब्द है ये जो विधा है ये इकोनॉमिक जर्नलिज्म देखिए मैं मैं जैसे एक बाय समझता हूँ कि हर चीज का डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स का भी डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स का भी डेवलपमेंट है समाज का भी डेवलपमेंट होता है तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ सामाजिक डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट के साथ है यह एक पूरा एक बड़ा एक व्यू लेकर चलती है एक पूरा एक इसको हम 360 डिग्री व्यू भी हम कह सकते हैं जिसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं इसमें पत्रकारिता को एक मास कम्युनिकेशन के साथ जोड़ा गया है अब पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता न रहकर हम लोग जनरली अब वर्ड जो यूज करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की अगर हम मोटे तौर पर अगर हम शाब्दिक अर्थों में बात करें तो पत्रकारिता को आप जो भी आपके पास ज्ञान है वो ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है आप हमसे अगर साझा कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो गया जी। और वो ज्ञान हमसे कॉमन हो गया तो इसी को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन और जब ये एक बड़े पैमाने पर होता है चाहे वो पहले रेडियो के माध्यम से होता था फिर प्रिंट आया फिर टेलीविजन के माध्यम से अब तो न्यू मीडिया है जो कि हमारी मीडिया सोशल मीडिया उसके थ्रू हम जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं समाज को सोसाइटी को और अपने लेवल cool, पे बहुत खूब ये अच्छा एक बात और मेरी बड़ी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे और आपने हमारे हमारे दूरदर्शन के साथ बहुत लंबा समय गुजारा था उसके अकेडमिक्स में आने से पहले तो ये एक बड़ा जाहिर सा प्रश्न बनता है दिमाग में कि आपने वहाँ पे किस तरह का काम किया है और कुछ एक आपके जो विशिष्ट काम रहे हैं आप उनका जरूर उल्लेख करें जी जी जरूर बताना चाहेंगे और शायद कुछ लोग इससे प्रभावित हों और सब सोसाइटी में इस तरह का कंट्रीब्यूशन हो तो और अच्छा लगेगा हमें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा से क्योंकि शुरू से जुड़ाव रहा और शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक क्षेत्र है और इस पर एक शिक्षा प्रदान करके एक अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी को कुछ अच्छा देते हैं तो आपकी एक जो नेचुरल जो डेवलपमेंट होती है या नेचुरल ग्रोथ होती है वो आपको सुखद एहसास दिलाती है इसी यही एक कारण था मेरा इस क्षेत्र से जुड़ने का तो सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया अपने अगर सोसाइटी में हम कहें छोटे बच्चे जो होते हैं जो मज़दूर वर्ग के बच्चे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि स्कूल क्या होता है बहुत सारी ऐसे कस्बों में हम गए मलिन बस्तियों में गए जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे माँ बाप काम पे चले जाते थे और उन बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं होता था आपस में ही खेलते और जो उनका इन्वायरमेंट था उसके हिसाब से वो पल बढ़ रहे थे तो हमारी संस्था ने ये कोशिश की हमारी पूरी एक टीम है जिन्होंने उन बच्चों को एकत्र करके एक जगह पे और तब हमने कॉन्सेप्ट चलाया मोहल्ला पाठशाला का अच्छा। उन बच्चों को शिक्षित करने का उनको ये किस दौरान की बात है थोड़ा सा ये लगभग 2012 से 2015 बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं बहुत ज़्यादा पुरानी है। बात नहीं है दो से दो के बीच में हमने ये काम शुरू किया तो इसको जाहिर सी बात है सामाजिक सराहना भी मिली और बहुत सारी आप, आप का समाज के संख्या तक पहुंच रहे हैं जो तबका बिल्कुल जी, ही जी, आ, हर तरफ से कटा हुआ है एक से देखा जाए तो विकास वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है जी सर क्योंकि डेवलपमेंट जर्नलिज्म यही है कि हम समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब तक हम भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तब तक डेवलपमेंट जर्नलिज्म अपने आप में अधूरा है जी मैं दर्शकों की बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि गांधी भी कुछ ऐसा ही सोचते थे कि विकास आखिरी तक पहुँचे गाँव तक पहुँचे और जहाँ पे जहाँ लोग जो वंचित रह गए हैं उन तक पहुँचे और शायद पत्रकारिता ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है बहुत बड़ा योगदान दिया है पत्रकारिता का योगदान बहुत इसमें फील्ड में रहा क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है आप और आप आज की सरकार का भी कार्यक्रम देखें हम लोग जो कर रहे हैं जो सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं वो भी कमोबेश कमोपेश कोशिश हो रही है कि आखिरी आखिर तक पहुंचा जाए और जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है छोटी सी स्कीम है बहुत बड़ी स्कीम है ये बीच में जिक्र आ गया इस बात का तो ये आखिर तक लोगों तक पहुंच रही है ये ये पूरा अमूल चूल तरीके से लोगों को बदल दे बिल्कुल क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति की सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में बहुत सारी परेशानी भी आई क्योंकि माता पिता को ये लगता है कि अगर उनके चार बच्चे हैं तो चार मज़दूर उनके और हो गए चार मजदूर हाँ। और पैसे कमा के लेके आएंगे तो उनका रुझान पहले शिक्षा की ओर नहीं था लेकिन बाद में जब इसकी सुविधाओं के बारे में उनको बताया गया कि आपका एक बच्चा अगर एक लेबर बन के जो कमाएगा और, और जब आप उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे उसके बाद जो उसकी इनकम होगी वो परिवेश उसको बहुत अच्छा परिवेश मिलेगा और आपको भी आर्थिक रूप से उसमें फायदा होगा तब उनके माता पिता ने तो इजाज़त दी इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी क्या? जी 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 फिर बाल शिक्षा पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो इससे भी लोगों को वो दिखाने में क्योंकि टेक्नोलॉजी का लगातार मेरा साथ रहा टेक्नोलॉजी वाइज डॉक्यूमेंट्री जब हम लोग बनाते थे तो उन डॉक्यूमेंट्रीज को उन पेरेंट्स को दिखाते थे कि ये बच्चा था और इस बच्चे में ये पहले उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करके रख लेते थे और उसके बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी करीब एक साल की उसके बाद जो उसके अंदर डेवलपमेंट आते थे कुछ बच्चों में स्किल डेवलपमेंट बोलने का टैलेंट किसी में डांस का टैलेंट था किसी बच्चे में गाने का टैलेंट था तो हम लोगों ने पहले उनके टैलेंट को फोकस किया जी कि उनके टैलेंट को ही निखारे सबसे पहले जी, क्योंकि जी, बच्चा भी कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है जी हाँ, हर बच्चे में गुण होता है हर बच्चा खास होता है जी और उसी खासियत को बाहर निकालना उसकी प्रतिभा को निखारना यही हमारी संस्था का उद्देश्य रहा और इसमें बहुत हद तक हम लोगों को कामयाबी भी, भी मिली और जब थोड़ी कामयाबी मिलती है तो आपको और अच्छा लगता है तो आप सोसाइटी में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने की सोचते हैं पर मैं आपसे एक बात मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है डॉक्टर पूजा सिंह ये कि जब कोई दूर दराज के इलाकों से वहाँ तक जहाँ तक कि ये जो सो कॉल्ड so ये जो एक सेटअप है बड़े बड़े शहरों का वहाँ से दूर के जब बच्चे आते हैं पत्रकारिता करने के लिए आते हैं तो वो शायद नहीं समझते होंगे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या, क्या है या इकोनॉमिक जर्नलिज्म क्या है या पॉलिटिकल जर्नलिज्म क्या है तो वो आता है वो आकर के इस पूरी चकाचौंद को देखता है क्योंकि एक चकाचौंद तो है देखिए एक जी हर तरीके से लगता है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है क्योंकि और हमने भी समाज ने माना भी है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है योगदान देता है इसमें तो बच्चा अपने आप को कैसे इसकी तरफ लेकर के आ पाता है पहला सवाल तो ये होगा और इसके साथ साथ एक सवाल और ये भी होगा कि क्या आज की तारीख में विकास की पत्रकारिता में संभावनाएं हैं बिल्कुल सर विकास की पत्रकारिता क्योंकि एक ये हम फिर यही बात कहेंगे कि एक सोच को डेवलप करने की पत्रकारिता है क्योंकि जब हम अपने समाज में अपनी सोसाइटी में ये सोच अगर हम डेवलप कर पाए अपने यूथ को अगर हम ये सही और गलत का फर्क अगर हम बता पाए तो आने वाला भारत जो है वो नवीन भारत होगा और जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना भी यही थी कि एक ऐसा भारत बने जहाँ सब आपस में प्यार हो सब आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटे और हम सब मिलकर एक साथ रहें और एक परिवार की तरह रहें तो इस विधा में पत्रकारिता की विधा में अब जब टेक्नोलॉजी भी आ गई तो इससे ये काम थोड़ा और आसान हो आसान गया हो आज बेहतर भी, भी हो गया आज सोशल मीडिया पर आप अगर कुछ अच्छा कुछ भी वर्क करते हैं तो उसको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हम डालते हैं लोग उनको देख प्रभावित होते हैं तो इसी तरह से बच्चे भी जो पत्रकारिता और जनसंचार की दुनिया में अब आ रहे हैं नए बच्चे हमारे जो यूथ है जो एक जिनको हम कहेंगे नए पत्रकार तो जो ये खेप हमारी तैयार हो रही है इसी, इसको हम हम पौध पौध ही कहते हैं हैं कि पत्रकारों तैयार करते में, अपने में, स्कूल में तो पौध ही होती है बिल्कुल ठीक बात तो उन पौधों को यही है कि नैतिक मूल्यों को उनको विकसित करके और एक विशाल वृक्ष बनाने की अपनी योजना है और परिकल्पना है ऐसी कि एक ऐसा भारत बने जहाँ पे सबको गर्व हो और हम सब गर्व से कह सके कि हम भारतीय जर्नलिज्म है पोलिटिकल तो आप है है, तो जर्नलिज्म और विकास की पत्रकारिता है तो वो कैसे फिर मतलब क्या उसका रुझान होता है या आप जैसे जुड़ी हैं जिस संस्थान के साथ खुद ही जर्नलिज्म की छात्र भी रही हैं आप उसको पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर खुद ही चुन लेता है नहीं वो खुद तो नहीं चुनता हम लोग का सिलेबस इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं कि बच्चे को प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ उसको क्रिटिकल नॉलेज भी हो कि किसी भी तथ्य को वो गहराई से पहले समझे हम लोग बच्चों को भी अब यही बताते हैं कि आप कोई भी आपके पास मैसेज आता है तो सबसे पहले तो आपको तुरंत फॉरवर्ड नहीं करना है किसी भी तरह का मैसेज की जाए तथ्य की जाए। हाँ। गहराई में जाएं जाए आप और सत्यता को खोजें इसके लिए हम बेसिकली बच्चों को हम शुरू से इस तरह से गाइड करते हैं कि आप रिसर्च करें जी। जी। किसी भी तथ्य को जब तक हम उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे उसकी रूट तक नहीं पहुंचेंगे और केवल हम कहीं सुनी बातों पर अगर हम भरोसा करेंगे और उसी को हम पत्रकारिता का नाम देंगे तो वो पत्रकारिता नहीं है पत्रकारिता नहीं वो तो सिर्फ एक फॉरवर्ड कर दिया आपने इस तरह से चलता तो है हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर हम डेवलप करते हैं कि आप सबसे पहले रिसर्च करें किसी भी तथ्य को किसी भी हमारी घटना को आप उसकी गहराई तक जाए उसकी जड़ तक जाए और उसके सही और गलत के बीच का जो फर्क है वो आप समझें और सारे तथ्यों को आप सामने लाए जी तभी आप एक अच्छे पत्रकार की श्रेणी में आएंगे अच्छा एक बात और इस बात के साथ साथ मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में और कौंधा है वो ये है कि जर्नलिज्म की हम बात करें तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये इम्पैक्ट आज के तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं बच्चियां हैं वो किस प्रकार देखते हैं और आप इसे किस प्रकार देखती हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को इस पूरे जर्नलिज्म के सिनेरियो के अंदर इसका सर देखिए जिस तरह से हर एक एक बात का का या हर तथ्य दो पहलू तो होता ही है सकारात्मक और नकारात्मक सेम सोशल मीडिया का भी यही पहलू है कुछ सकारात्मक भी इसके पॉइंट्स हैं कुछ नकारात्मक भी है सकारात्मक की बात हम पहले करेंगे कि अगर सकारात्मक में हम देखें तो बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप होती है कि वो बच्चा अगर अच्छा अपना रील बना रहा है और सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो क्यों ना हम भी इससे जुड़े और इन सारी चीजों को आपको बच्चा कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होता और आज ये रील समय उस बच्चे यूथ का निकल जाता है फिर इसीलिए इसी मैंने कहा कि एक समय तक तो ये सीमित समय तक अगर आप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है और अगर आप पूरा टाइम इसी में अपना कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर या तो उसको आप एज अ प्रोफेशनल आप चुनिए एज प्रोफेशन आप उसको जो है यूज कर रहे हैं और आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप इस तरह के कंटेंट डाल रहे हैं जिससे समाज में सकारात्मक सोच सोच पैदा, पैदा हो तब तो ठीक है तब तक तो वो चीज़ आपकी पॉजिटिव जा रही है और अगर सिर्फ केवल आप अपनी ख्याति पाने के लिए कुछ भी गलत सलत या कुछ भी आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर तो इसी का फर्क जो हम बच्चों को बताते हैं जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म है वो इसी फ़र्क को विकसित करता है और जब ये फर्क विकसित हो जाएगा बच्चों में तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही ये चीज़ों में अपना ज़्यादा समय नहीं लगाएगा और वो कोशिश करेगा कि हम समाज में जितना सकारात्मक सोच पैदा कर सकें और अपने माहौल को खुशनुमा बना सकें तो ये सारी चीज़ें दोनों जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू होते, होते, होते हैं तो साथ साथ ही चल रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत खूब एक सवाल आपसे और है इस बात को लेकर के कि पत्रकारिता में हम देखते तो हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी की बात होती है कि हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा कौन वो है एक शेयर है महिलाओं का भी और बहुत बड़ी निर्भीक पत्रकार पत्रकार रही हैं और होती भी हैं देखते भी हैं जिस तेज़ तरदार तरीके से और जितनी बेखौफ होकर के अपनी बात रखती हैं पर क्या जो सवाल है वो ये है पर क्या जो दराज दूर दराज के इलाकों से बच्चे आते हैं वहाँ से क्या बच्चियां भी आ रही हैं जी सर बिल्कुल बच्चे भी आ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट में भी जॉब्स हैं जो कि अब फिक्स कर दी गई हैं कि उनको बैचलर जो है वो डिग्री या डिप्लोमा पत्र का तमगा चाहिए जैसे एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी के एग्जाम में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की भी पोस्ट है जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से ही उन बच्चों का चयन होता है यानी कि गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई पोजीशंस निकाल क्रिएट की हैं बिल्कुल बहुत खूब तो इससे भी जब बच्चों को पता चलता है और हम रूरल एरिया में भी जाकर बच्चों को ये शिक्षित करते हैं हम वर्कशॉप चलाते हैं और लोगों को ये जानकारियां देते हैं कि आप बच्चे अभी इस फील्ड में आए क्योंकि आप देखते होंगे अगर पिछले दस वर्षों का भी अगर आकलन करें तो चाहे वो हाई स्कूल हो या ट्वेल्थ लेवल की परीक्षा हो हर जगह लड़कियों का प्रतिशत चाहे वो सफलता के क्षेत्र दृष्टि से हो या फिर परसेंटेज वाइज हो बढ़ा ही है जी बढ़ा ही है और हर बार बढ़ रहा है तो लड़कियां इस फील्ड में भी पीछे नहीं है और वो क्योंकि टेलीविजन पे देखती हैं अपने जो हमारी महिला पत्रकार हैं बड़ी बड़ी उनको देख कर उनके भी सपने होते हैं कि वो भी इस तरह की पत्रकारिता कर सकती हैं और एक सोसाइटी में एक जो चलन चलता आया है कि पुरुष प्रधान हमारा भारत का जो समाज रहा वो पुरुष प्रधान रहा भारत ही नहीं मैं तो कहूंगा कि दुनिया का समाज पूरा ही

सकारात्मक सोच भी पैदा होगी हमारे समाज में जी बिल्कुल ठीक बात बोले आपने टेक्नोलॉजी को लेकर के जैसे हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि चार जी आया है चार जी ने एक अमूलचूल परिवर्तन ला खड़ा कर दिया है समाज के अंदर कंटेंट हो चाहे कंटेंट किसी प्रकार का कॉन्टेंट हो टेक्निकल कॉन्टेंट है चाहे पत्रकारिता वाला कॉन्टेंट है ये कॉन्टेंट बदल रहा है

अपनी डिमांड आ गई है कि आप टेक्नोलॉजी वाइज कितना इनहेंस हो रहे हैं आपको अच्छी पत्रकारिता के साथ साथ कंटेंट राइटिंग का नॉलेज आपको है बहुत अच्छी बात है इसके साथ ही अगर आप देखें तो अब मोजो जर्नलिज्म का जमाना आ गया जी हाँ, मोजो जर्नलिज्म आपके पास अगर एक अच्छा मोबाइल फोन है तो आप उससे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसमें कंटेंट भी टाइप कर सकते हैं बहुत सारे एडिटिंग एप्स हैं जिसमें आप ऑडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सब कुछ एक फोन के अंदर फोन आ गया तो टेक्नोलॉजी वाइज ही अब ये क्या होता है कि हमारे समय की जो डिमांड थी एक टाइम होता था कि जब दूरदर्शन पे सात बजे और नौ बजे खबरों को सुनने के लिए सब बैठते थे इंतजार करते थे कि आज की जो बड़ी खबरें होंगी आज की जो ब्रेकिंग न्यूज होगी अब हमको इतने बजे देखने को मिलेगी लेकिन अब आप देखें तो वो टाइम लिमिटेशन जो है वो खत्म हो गई है वो टाइम गैप जो है वो खत्म हो गया है हम सारे चैनल्स की अगर बात करें और चैनल्स की ही क्यों अब प्रिंट मीडिया में भी आप देखें सब अखबारों के ऐप आ गए हैं तो ज्यादातर लोगों के पास क्योंकि अब सब कुछ तो है टाइम की कमी होती जा रही है सबके पास तो वो जल्दी से स्क्रोल करके तो कहीं ना कहीं हमारी ज्ञान की क्षमता जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी जी एट है वो सूचनाओं का भंडार है जी। वहां से आई के थ्रू वो जितने कंटेंट उनके पास हैं उन्हीं में से वो कुछ आपको तथ्य निकाल के दे देता है बट जो हमारे अंदर अपनी सोच है वो कहीं ना कहीं जब आपके पास होता है ना कि हमारे सामने कोई चीज परोस दी गई हमारे सामने थाली है तो फिर हम क्यों मेहनत करेंगे और बनाने जाएंगे हाँ। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं ये बहुत घातक भी है हमारी जो सोच है और हमारा जो एक लक्ष्य था कि पत्रकारिता को एक मिशन बनाने, मिशन बनाने का बनाने वो कही न कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, है? पर मेरा इसमें ऐसा मानना ये भी है जैसे देखिए कि कंप्यूटर आया था लोग बोलते थे कंप्यूटर ऐसा करेगा नौकरियां खा जाएगा ये हो जाएगा मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को परिष्कृत ही करती है पत्रकार हैं कंटेंट की बात है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चैट जीपीटी में इमोशंस नहीं है संवेदनाएं नहीं है भावनाएं नहीं है भावना तो, नहीं तो वो कंटेंट निकाल के दे तो देगा पर उन भावनाओं के संप्रेषण के लिए मुझे लगता है कि पत्रकार उस कंटेंट पे काम करेंगे तो जो जो कंटेंट निकल के बाहर आएगा वो और परिष्कृत होगा और बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी हो या चैट जी हो चीज़ों को इम्प्रूव करेगी और आगे तक लेके चली जाएगी जी। मेरा इसमें ऐसा मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल एक बात और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं डेवलपमेंट की बात करें हम लोग तो किस किस पैरामीटर पे हम किसी चीज को आके और कहें कि भाई ये इस कैटेगरी के अंदर आता है अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो शिक्षा है जी इसके बाद जागरूकता है और नैतिक मूल्य ये तीन पायदान ऐसे हैं कि अगर इन तीन पायदानों पर आपने काम कर लिया और इन पे अगर डेवलपमेंट हो गया तो आप सोसाइटी में हर लेवल पे देखेंगे कि डेवलपमेंट अपने आप होगा क्योंकि जब आपकी सोच ही विकसित हो जाएगी आपके मूल्य उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप अपने आसपास समाज में भी परिवर्तन लाएंगे और वो समाज आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होगा आपके अंदर एक सही और गलत को नजदीक से देखने की किसी तथ्य को गहराई से समझने की समझ पैदा हो जाएगी और यही समझ हमको सोसाइटी में आगे लेकर जाना है कि आप हर चीज़ को तथ्य परक रूप से समझें और अपनी सोसाइटी को अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाए और इसी पौजिटीव सोच पौजिटीव के साथ आप आगे बढ़ें मैं ऐसा भी मानता हूँ इसके अंदर कि ये ऐसा भी एक रहा है कि एक टाइम था जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या मीडिया इतना बुखर नहीं था प्रखर नहीं था तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में समय ले लेती थी अब चूंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कुछ चीज़ फर्ज कीजिए कन्याकुमारी में हो रही है और उसको श्रीनगर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है तो जो बदलाव है तो बदलाव की प्रक्रिया भी बहुत तेज हुई है और उसका जो समय है बदलाव होने का वो बहुत कम घट गया है इसके साथ साथ बदलाव तेजी से भी हो रहा है मेरा ऐसा ऐसा मानना है आप ऐसा सोचती हैं इस बारे में बिल्कुल सर और ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज ही हो रहा है जी तो हम कहीं भी टेक्नोलॉजी को हम बुरा नहीं कह सकते बस टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो तरीका है उस पर हम छात्रों को जरूर हम फोकस करते हैं कि आप जैसे चैट जीपीटी की आपने चर्चा की चैट जीपीटी से आप कुछ तथ्य ले लीजिए कि किस किस हाँ चीजों पर रिसर्च हुआ किन, किन तथ्यों बात हुई और उसमें कुछ आप अपना कंटेंट भी क्रिएट करें तो, तो बिल्कुल मानवीय संवेदना जब तो नहीं नहीं तो, तो हम किसी चीज का समन्वय करते हैं तो अपनी सोच और टेक्नोलॉजी को जब हम मिश्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा और कुछ नया तथ्य सामने आएगा मेरा एक प्रश्न आपसे अब अगला ये होता है जो मुझे बड़ी दिलचस्पी जो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ आप बहुत लंबे समय से यहाँ रह रही हैं राजस्थान में पत्रकारिता की क्या संभावनाएं और क्षमताएं आप देखती हैं राजस्थान में सर पत्रकारिता की संभावनाएं ही संभावनाएं हैं और जयपुर के हम लोग दूरदर्शन केंद्र में ही बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी चैनल हैं या प्राइवेट चैनल्स हैं दो से अधिक प्राइवेट चैनल्स इस समय बहुत अच्छे सेटेलाइट चैनल्स हैं जो कि रन कर रहे हैं तो इनको रन करने के लिए पूरी एक टीम की जरूरत होती है पूरा एक टीम वर्क होता है आपका हाँ, कैमरा पर्सन होगा कैमरा मैन होगा रिपोर्टर होगा तो सबको कहीं ना कहीं रोजगार पर व्यवसाय भी ये बन रहा है जी, जी। और सबको रोजगार मिल रहा है आप समाज सेवा के साथ साथ आप अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं हाँ, तो जी, ये हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है अब आप आपको रोक रहा हूँ आपने बात जरूर अच्छी बोली और मैं चाहता हूँ जो दर्शक हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं जो बच्चे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि पत्रकारिता सिर्फ सामने खड़े टीवी के एंकर ही नहीं है या जो लिखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं एडिटर हैं वो ही नहीं है पत्रकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हम स्टूडियोज में बैठे हैं और इसको इस पूरे सेटअप को लेकर करने में जितने लोगों का हाथ रहा है वो सब पत्रकारिता का ही हिस्सा है आगे बोलें प्लीज तो इसी तरह हम कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता एक सोच है जो कि हमारे राजा राम राय को हम अपना आदर्श मानते हैं महात्मा गांधी हैं इंदिरा गांधी हैं बहुत सारे ऐसे महानुभव पैदा हुए अपने भारत की धरती पर जिन्होंने पत्रकारिता को सही मायने में समाज सेवा का नाम दिया अब प्रोफेशन बन गया है वो बात अलग है लेकिन कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने का अगर भाव आपके अंदर नहीं है तो मेरे हिसाब से वो पत्रकार नहीं है जी बिल्कुल ठीक बात है बट मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए प्रोफेशन भी हो जाता है तो एक, एक, एक गलत नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल लोगों की एक के समन्वय होना चाहिए समन्वय होना चाहिए पूर्ण रूप से ये व्यवसायिक इसको नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एक क्षेत्र ये ऐसा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो हमारे ख्याल से इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी रहने दे और अगर इसको हम पूर्ण रूप से व्यवसायिक बना देंगे तो कहीं ना कहीं इसकी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं मैं आपके पास जानता हूँ जब हाँ। जब राजस्थान की बात करें तो जैसे जैसे आप मैं आपसे पूछ रहा था तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे और कुछ क्योंकि हिंदी बेल्ट है देखा जाता है मोटा मोटा जी जी और हिंदी बेल्ट है अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंग्लिश का भी चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारी राजस्थान की खुद की भाषाएं बहुत समृद्ध हैं कहीं ढूंढाड़ी है कहीं ब्रज है कहीं शेखावटी है कहीं मारवाड़ी बोली जा रही है है, तो ये क्या लोकल जब जो हम बात कर रहे हैं रीजनल कंटेंट की पत्रकारिता की वो बढ़ेगी क्या आपको लगता है बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति होती है जिस हम संस्कृति से आते हैं जिस क्षेत्र से आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको खींचती है और आप जब आप कहीं किसी ऐसे पैदान पर पहुंचते हैं जहां आप अपने समाज के लिए अपनी संस्कृति के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वहां के लोग आपके साथ जुड़ते हैं आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है पत्रकार अगर वहाँ से उस मिट्टी से उस क्षेत्र से आएगा तो अपने क्षेत्र के लिए और अधिक करने की सोचेगा तो डेवलपमेंट तो होगा तो चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो तो क्षेत्र मायने नहीं रखता आपकी सोच मायने रखती है तो सार्थक सोच अगर आप रखेंगे और सार्थक प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है सी. ये हर जगह इसकी संभावनाएं हमेशा रहेंगी अच्छा पत्रकारिता पत्रकार जुड़ी रही है तो आप उसी उसी विधा में उसी अंदाज में एक सवाल जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि पत्रकारिता गांव तक पहुंच रही है कि गांव पत्रकारिता तक, तक शहरों में आ रहा है ज्यादातर अगर हम देखें तो इसका रेशियो जो है तो गाँव ज्यादातर पत्र मतलब शहरों में आ रहा है शहरों में आ रहा है। हाँ। क्योंकि तो इसकी सबसे बड़ी जो अगर हम अपनी दृष्टि से हम देखते हैं जो मेरा अपना मानना और दृष्टिकोण है जितना मैं इन मूल्यों को या इन क्षेत्रों में गई हूँ जिन जगहों पर तो वहां पर मैंने ये देखा कि जैसे कृषि है खेती है अगर जल्दी उस आपको उसमें जी जी उससे अगर है आपसे मैंने अगर अगर हम बात करें केवल व्यवसायिकता की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक रूप से उनको वो उतना लगता है कि जो छोटे किसान है छोटे हमारे कृषक भाई हैं तो उनको इतनी संभावनाएं नहीं दिखती तो उनको लगता है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वो फिर वो शहर भेजते हैं बच्चों को अपने पढ़ने के लिए और वो कृषि में नाले जाकर बच्चों को नए नए और भी कोर्सेज हैं चाहे वो कोई भी कोर्स हो तो वो सोचते हैं कि हाँ कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको एक फिक्स सैलरी मिलेगी तो इस वजह से चीजें जो है वो शहर की ओर आप हमारे बच्चों को क्या संदेश हमारे सुनने वालों को देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे यार संदेश मेरा यही है आप सब से हमारे प्यारे दर्शकों बहुत से संक्षिप्त में बोलिए जी कि जो भी हमारी सोच है जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है और इसी सोच के साथ हमको अपने भारत को आगे लेकर जाना बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूजा सिंह आप हमारे स्टूडियो में आई आपने इतनी ज्ञान परक बातें हम लोग को बताई पत्रकारिता के बारे में बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी इनसे मिलिए के अंदर नमस्ते नमस्कार